चार लोग हम जा रहे हैं इस लॉन्ग राइड पे। हाँ अभिषेक की गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम आ गई है, पूरा टंकी फंकी खोल दिए। अभी ये दोनों नट कसा और ये देखो। हे प्रभु, हे हरि राम यार कृष्ण जगन्नाथ। बेहतरीन यार, ये होता है बारिश का असर। ये रही हमारी दोनों बाइक्स और हम सारे इकट्ठा हो गए। नाइस, वाह, व्हाट अ फैंटास्टिक वेलकम। बांदीपुर टाइगर रिजर्व, ओहो। हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज नहीं है संडे, आज है फ्राइडे, क्योंकि फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन के लिए हम लोग लॉन्ग राइड पे जा रहे हैं दिस वीकेंड। तो खैर आज फ्राइडे है, हमने आज ली है ऑफिस से छुट्टी। आज 3 बजे, आज थोड़ा सो गया था, थोड़ा सो गया, 1 बजे से बहुत कोशिश की सोने की, तो थोड़ा सा मतलब उठा हूँ, अलार्म बजाया तो सो रहा था मैं, ये मेरे को आइडिया है। तो भैया क्या हो गया टाइम? 3:32, 3 बजे से अलार्म बजा है, 3 बजे से रेडी होना शुरू हुआ था, लगभग रेडी हो चुके हैं। आज हम टैंक बैग ले जाएंगे और एक एक्स्ट्रा बैग ले जाएंगे जिसमें मैंने कपड़े रख लिए हैं, क्योंकि तो हमें वहाँ पे स्टे करना है। तो ये सब रेडी है, हेलमेट रेडी है, कैमरा माउंट करना है, और जाके आज थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि टैंक बैग भी लगाना पड़ेगा और पीछे वाला बैग भी, टेल बैग भी सेट करना पड़ेगा। तो काफ़ी आज लफड़ा है बाइक पे, काफ़ी बाइक फुल रहेगी आज। तो सीन क्या है, एयर ब्लॉगी अभिषेक, पीयूष मोटो ब्लॉग्स पीयूष, एंड दी एक्सप्लोर इंडिया शाहिद, और मैं, चार लोग हम जा रहे हैं इस लॉन्ग राइड पे। हमने कोई भी बुकिंग नहीं की हुई है, यहाँ से हम जाके और वहाँ पे ही होटल्स चाहे जो भी होगा ढूंढेंगे और वहाँ रहेंगे। और सीन जाने का ये है कि मैं और अभिषेक अभी मिलेंगे, 4 बजे का मीटिंग पॉइंट है, यहाँ से हम लोग निकल लेंगे अर्ली मॉर्निंग, बिकॉज हमें अर्ली मॉर्निंग निकलना है। एंड पीयूष 6 बजे समथिंग अपने घर से निकलेंगे और शाहिद 10 बजे निकलेगा। तो ऐसे ऐसे करके वो लोग रास्ते में हमें ज्वाइन करेंगे, बाकी मैं और अभिषेक साथ में चलते रहेंगे। तो भाई आज का राइड होने वाला है बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही लंबा, काफ़ी लंबा राइड होने वाला है, तो लगातार मेरे साथ बने रहिए। एंड इंस्टाग्राम पे फॉलो अगर कर लिया होता तो तुम्हें लेटेस्ट अपडेट ऑलरेडी मिले होते, इसलिए इंस्टाग्राम पे अपडेट फॉलो करो, इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, एंड देन वहाँ पे आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे कि कहाँ पहुँच गया है, कितना टाइम और लगेगा, लाइक दीज काइंड ऑफ अपडेट्स। ओके, तो फटाफट नीचे चलता हूँ, गाड़ी पे सामान लोड करता हूँ, फिर गाड़ी पे बात करते हैं। ओके ओ भाई, ये देखो अपनी गाड़ी चमकती हुई, कल बिल्कुल इसको चमकाया था गाड़ी को। एक बैग रहा ये, एक बैग रहा ये रहा कुछ हमारा सामान आज के लॉन्ग राइड का। बैग को वहाँ सेट करते हैं, इसको यहाँ सेट करते हैं फटाफट। तो भाई टाइम हो गया 4:03, हर हर महादेव का नारा लगाते हैं और बोलते हैं ओ गुरु हो जा शुरू। ओके, गुरु हो गया शुरू, नाउ लेट्स गो एंड मीट अभिषेक। बारिश हुई है कल, अब धीरे धीरे बेंगलोर में अब धीरे धीरे बारिश होना शुरू हो गई है। ये वाला जो मेरा रोड है ना कॉलोनी का, बहुत बकवास है। तो भाई स्लोली स्लोली चलते हैं क्योंकि गाड़ी मेरी एकदम एकदम धुली हुई है, पता चले घर से निकलते ही कीचड़ लग गया। तो इसको पार करते हैं, सरजापुर पहुंचते हैं, अभिषेक से मिलते हैं, एंड देन वहां से कंटिन्यू करते हैं भाई। तो भैया अपडेट ये है कि अभिषेक की गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम आ गई है, फ्यूल पंप में कुछ इशू आ गया है,
तो आगे अभी अपने को यहीं से यू टर्न लेके मणिपाल हॉस्पिटल जाना था सरजापुर रोड से, लेकिन हम आगे जा रहे हैं। अभिषेक का घर जहाँ है वहाँ जा रहे हैं। किसी पेट्रोल पंप पे, शेल के पेट्रोल पंप पे उसने गाड़ी रोकी हुई है। पूरा गाड़ी का टैंक वैंक एरिया जो खोलना पड़ेगा, फिर उस पाइप को, पेट्रोल पाइप को सही करना पड़ेगा, ऐसा कुछ सीन बता रहा है वो। तो फिलहाल चल रहा हूँ उसके पास, वहाँ चलते हैं, वहाँ देखते हैं क्या सीन है। फिर वहाँ से जब इशू फिक्स हो जाएगी, फिर वहाँ से यू टर्न लेके वापस निकलेंगे आउटर रिंग रोड होते हुए। हाँ, पहुँच गए हम शेल पेट्रोल पंप, एंड आई थिंक अकेले कर रहा है जो भी कर रहा है भाई अपना। अरे यार, ये तो पूरा टंकी फंकी खोल दिए। ओ भाई, ये रही हालत इस गाड़ी की। A few moments later. तो भाई ये पूरी टंकी खोल के इसके अंदर एक पाइप इंजेक्शन होता है, उसको सेट किया हमने, उसको कसा, फिर बहुत सारे नट थे वो कसा। अभी ये दोनों नट कसा, और ये देखो, ये अभिषेक एक एक जुगाड़ लेके आया था, आज उसका यूज़ हुआ है। आज हमने इस लाइट को यूज़ करके, वैसे लाइट तो है प्रॉपर यहाँ पे, बट इसको यूज़ करके हमने नट को कसा। ये सब आना चाहिए, खुद का बाइक रिपेयर कर सके कहीं फंसे तो। हाँ, मतलब व्लॉगिंग 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 नहीं, मतलब ट्रैवलिंग करते हो, इफ यू हैव अ बाइक कार हाँ, ट्रैवल एनीथिंग, करता है। बेसिक मैकेनिक गिरी, बेसिक आना चाहिए, लेकिन बेसिक बेसिक एडवांस मैकेनिक लेवल हो गिरी आना ही चाहिए आपको। हाँ, लेकिन ये एडवांस लेवल हो गया दिस इज टू एडवांस। वन इटर्निटी लेटर। तो भैया टाइम हो गया 4:46, यार काफ़ी देर से इसकी बाइक ख़राब थी। तो अपना रूट सेलेक्ट करना है यार, कोई दूसरा रूट सेलेक्ट करा रहे हैं अपने से। नहीं, बैटरी बैटरी का इशू। हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम यार। कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? सही है, बचा लिया। हे भगवान, अभी मेरी बाइक नहीं स्टार्ट हो रही थी। अभिषेक ने धक्का दिया और हल्का सा मिस्टेक हो गया, वो बाइक लेके गिर गया, फिर उसकी स्टार्ट नहीं हो रही है। फिर फाइनली तक स्टार्ट हो गई एंड हाँ। अरे यार, ये भगवान प्रभु, अब अच्छे से ले जाना आगे, अच्छे से हम लोग भी चलेंगे इज्जत से, और प्लीज टेक केयर ऑफ अस। नहीं है कुछ, नहीं कुछ, नहीं कुछ नहीं है, कुछ है नहीं बेटे। चलो भाई, पेट्रोल पंप पे रुक के थोड़ा टॉयलेट कर लिया, क्योंकि टॉयलेट करने का प्रोसेस बहुत खतरनाक है मेरे राइडिंग पैंट का। जैसे नॉर्मली खड़े होके कर लेते हैं ना, ऐसे नहीं हो पाता है, पूरा पैंट नीचे निकालना पड़ता है, फिर जाके होता है, इसलिए थोड़ा टफ है। बहुत अच्छे अच्छे जगहों पर रुकना पड़ता है टॉयलेट के लिए। चलो भाई, फिलहाल कनकपुरा रोड पे हम कंटिन्यू कर रहे हैं, अभी चाय का ब्रेक लेने का प्लान बन रहा है। भाई साहब, ये देखो भाई माहौल बेंगलोर के बाहर का, बारिश होने के बाद, ये जो बारिश होना शुरू हुआ है ना उसके बाद ही हुआ है। भीगी भीगी रोड, अभी रात में बारिश हुई होगी, और चारों तरफ मस्त फॉग फॉग सा व्यू, वाह मैन, और ठंडी ठंडी हवा, जबरदस्त माहौल है, जबरदस्त, व्हाट अ व्यू मैन, व्हाट अ व्यू, बेहतरीन यार। ये होता है बारिश का असर, बारिश होने के बाद ही बेंगलोर कर्नाटक अपने फॉर्म में आ चुका है, वाव। तो भाई टाइम हो चुका है 6:32, कनकपुरा रोड पे हमने एक छोटी सी दुकान पे टी ब्रेक लिया था, एंड राइट नाउ वी आर बैक ऑन द रोड। ये रोड सीधे जाएगा कनकपुरा, एंड कंटिन्यू करते हैं उस रोड पे। अभी भी 235 किलोमीटर 5 घंटा 9 मिनट की जर्नी बची हुई है,
लेकिन इतने में कंप्लीट नहीं हो गया और अभी हम काफ़ी टाइम लेंगे इसको कंप्लीट करने में। खूब रुकते रुकते हुए मस्त एकदम एंजॉय करते हुए जाएंगे। सो लेट्स कंटिन्यू ऑन दिस रोड। मैं देख पा रहा हूँ डिफरेंस, वरना रेडी डेली में हर ऐसे कनकपुरा रामनगरा ये सब एरिया में जा रहा था मैं राइड करने, बिल्कुल सूखा सूखा सा भाई माहौल हो रहा था। ये दो तीन दिन की बारिश ने कमाल कर दिखाया, एकदम ग्रीनरी तो आ ही गई है। तो भाई 7 बज चुका है और अभी भी हम कनकपुरा नहीं पहुँचे हैं और अभी जाके सनराइज हो चुका है। आज जाके 7 बजे सनराइज हुआ, नहीं तो 6:30 बजे 6:20 से 6:30 के बीच में सनराइज प्रॉपरली हो जाता है। तो जैसे ही ये बारिश शुरू है ना, सब उसका असर है। लेट से सनराइज होगा, फॉगी सा व्यू आएगा, बेहतरीन से नज़ारे आएंगे। टाइम हो गया भाई 7:30, अभी भी हम कनकपुरा नहीं पहुंचे हैं प्रॉपरली। यहाँ पे सनराइज हो रहा था, देखो पीछे कहाँ हो रहा है, हाँ कहाँ पे, कनकपुरा रोड पे अभी कनकपुरा पहुंचने वाले हैं। शॉर्ट ब्रेक लिया था, थोड़ा सा रिलैक्स मार रहे थे। ये रहे हमारी दोनों बाइक्स, बाकी दो राइडर्स हमारे रास्ते में कहीं पे हैं, अभी हमसे मिले नहीं है वो लोग। तो बस चलते रहेंगे, ऐसे रुकते रहेंगे, लाइव लोकेशन चेक करते रहेंगे और जहाँ पे मन करेगा वहाँ पे, नहीं जहाँ पे पॉसिबल होगा वहाँ पे हम लोग मीटअप कर लेंगे। ये रही अपनी बाइक, सन कहाँ है, ये रहा सन। बेहतरीन रोड है भाई। तो भैया ये है कनकपुरा बाईपास, बगल से सड़क जा रही है जो कनकपुरा शहर से होके जाएगी और ये बाईपास है जो सीधे में बाहर निकाल देगा। आई थिंक हम कनकपुरा पहुंचने वाले हैं। काफ़ी शानदार रोड है। एक छोटा सा ब्रेक लिया था, रिलैक्स किया, पानी पिया, थोड़ा बहुत फ़ोटो शूटो लिया, अभी हम वापस रोड पे निकल चुके हैं। सो लेट्स कंटिन्यू ऑन द रोड। पीछे देख रहे होगे भाई एक लाल कलर की गाड़ी आ रही है, उसमें दो लड़कियाँ बैठी हैं, वो लोग हमारा पीछा कर रही हैं। What they want? क्या चाहिए उन्हें? ये दोनों निकल गई आगे। ये देखो भाई क्या बेहतरीन नजारा, वाओ, जस्ट वाओ। तो कितना शानदार ये रोड नीचे की तरफ जा रहा है एंड देन ऊपर की तरफ आ रहा है, वाओ। अब लग रहा है पूरा पहाड़ों के अंदर से चलना है यार कुछ दूर तक। ये देखो स्लोपिंग, और यहाँ से कहीं से रोड कटा हुआ है, कटवट के जाना है क्योंकि आगे ब्रिज बन रहा है। ओ भाई आगे इतना शानदार ब्रिज बन रहा है, और ये बगल में हमारी खूब बड़ी नदी थी, वहाँ पे कुछ डैम भी दिख रहे थे, तो अपने को इधर से जाना पड़ेगा लग रहा है। ये रही पुरानी ब्रिज, ओहो ये रही पुरानी ब्रिज और वो नई ब्रिज बन रही है। तो लगता है पहले इधर ही से आना जाना हुआ करता था, अभी ये डाइवर्ट करके यहाँ भेजा जा रहा है और वो नई वाली ब्रिज बन रही है। और उसके पीछे भी दो डैम देखा हमने, बड़े बड़े दो डैम थे, ज़बरदस्त कोई डैम रहा होगा, आई डोंट नो। पानी तो है नदी में, देखो थोड़ा बहुत पानी है, मतलब पानी का बहाव है, लुक्स ब्यूटीफुल। ये क्या है भाई,
कोल्ले गला टाउन पुलिस पुलिस स्टेशन है ये, चेक पोस्ट। तो भाई टाइम हो गया 8:23 और 150 किलोमीटर अभी भी हमारा रास्ता बचा हुआ है। हो तो भाई कहीं रुके हुए हैं हम बीच में। ओ भाई बिल्कुल सड़क के बगल में, ये हमें लगा कि मिट्टी है हार्ड वाली, इसने इस पर हमने गाड़ी लगा दिया, वहाँ पे गाड़ी फंस गई थी थोड़ी देर के लिए। और ये देखो धान की खेती, वाओ चारों तरफ धान धान ही धान है दोस्तों। ये देखो हमारे बंदे भी आ गए, ये बेबी एक नंबर काउबॉय, काउबॉय भाई, हम लोग आधे घंटे से यहाँ पे शूटिंग कर रहे हैं। ओ भाई 1 2 3 4 एकदम मजा ही आ गया, अपनी रॉयल एनफील्ड, अपनी हिमालयन और अपनी ये पीली वाली और ये नीली वाली, मजा आ गया मजा आ गया। तो अभी 132 किलोमीटर की जर्नी हमारी बची हुई है और हम सारे इकट्ठा हो गए, नाइस मजा आ गया भाई मजा आ गया। अब यहाँ से चलेंगे आगे, कहीं रुकेंगे नाश्ता वास्ता करने के लिए, ब्रेकफास्ट करने के लिए। इस बेहतरीन नज़ारे में हमारी मुलाकात हुई है, क्या कहना, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो ये रही हमारी रॉयल एनफील्ड क्लासिक, ये अपनी पीली गाड़ी और वो अपनी हिमालयन, सारे लोग अब साथ हो गए, अब मजा आ रहा है। अब आगे कहीं जाके रुकेंगे ब्रेकफास्ट के लिए, इसके पहले हमने छोटे छोटे टी ब्रेक, पानी वाला ब्रेक ये सब लेते आए हम, अब साथ में एक साथ सारे लोग रुकेंगे ब्रेकफास्ट ब्रेक के लिए। टंकी फुल हो रही है भाई, ये देखो टंकी फुल, डलवाना है, चेक करवाना है आगे पीछे दोनों में। ओके भाई ये सारी हमारी गाड़ी, टैंक फुल, हवा चेक, सब कुछ सेट हो गया है। अभी भी 107 किलोमीटर बचा हुआ है, नेक्स्ट टारगेट रहेगा अपना कहीं रुकना और नाश्ता करना, फटाफट निकलते हैं। एंड अभी क्या हो रहा है भाई, 9:45 हो गया, टोटली धूप हो चुकी है, अब थोड़ी थोड़ी गर्मी हो रही है। हाँ ओ भाई साहब, हो कितना हुआ, ओके 100 किलोमीटर अभी बचे हुए हैं हमारे, चमराजा नगरा समथिंग कुछ है एरिया है जहाँ पे हमने अपना लंच या फिर ब्रेकफास्ट बोलेंगे, ब्रेकफास्ट ब्रेक लिया है। चलो भाई सब लोग यहाँ पे ब्रेकफास्ट करते हैं एंड देन आप यहाँ पे काफ़ी टाइम स्पेंड करेंगे हम लोग। 10 बज गया, ब्रेकफास्ट है, ब्रेकफास्ट रहेगा लेकिन उसको हम लंच की तरह कर लेंगे। विल स्पेंड सम टाइम हियर, उसके बाद निकलेंगे यहाँ से। चलो यहाँ हमने मस्त डोसा खाया, मज़ा आ गया, खूब दबा के खाया भाई। एंड नाउ वी ऑल आर रेडी टू मूव। तो भाई क्विक अपडेट ये है कि बज गया है 11 और 74 किलोमीटर अभी भी बचा हुआ है हमारा डेस्टिनेशन, और अभी दिखा था सामने भयंकर पहाड़ों का रेंज, बहुत ही ज़बरदस्त रेंज ऐसे चारों तरफ से आ रहा है, देखते हैं वो रेंज कब देखने को मिलता है। ये देखो भाई बरगद के पेड़ कितने सही लग रहे हैं, बरगद है क्या ये, कितने सारे पेड़, पीछे और ख़तरनाक सीन था। ये देखो भाई पकड़ के लटक जाऊँ क्या। ओके तो भाई अभी हम आ चुके हैं मैसूर ऊटी रोड, ओ ये मैसूर और ऊटी रोड है पीछे आई थिंक, या फिर इसी से हम मैसूर भी निकल सकते हैं और ऊटी भी निकल सकते हैं। ओ इट्स लाइक दैट, वाओ व्हाट अ फैंटास्टिक वेलकम। OMG
ये देखो भाई, ये देखो जहां तक दिख रहा है, जहां तक देख सकते हो। वैसे भी अभी 58-60 किलोमीटर के अप्रोक्स बचा हुआ है ऊटी। 2 घंटे का टाइम बोल रहा है भाई, मतलब काफ़ी टाइम लगने वाला। हिल वाला एरिया है ना, हिल स्टेशन है। ओके, एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही है। कब क्या आने वाला है बताता हूँ, देखता हूँ। सफारी कैंपस, अच्छा इधर सफारी जा सकते हैं बांदीपुर के लिए। और ये क्या है, हम लोग जा रहे हैं जो ये पीछे है बांदीपुर जो नेशनल पार्क है, उसकी सफारी के लिए टिकट बुक होता है, उसके अंदर जा सकते हैं ऐसा लिखा हुआ था वहाँ पे। और जो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं यार, वो पता नहीं आएगा नहीं आएगा, आएगा तो ज़रूर आई थिंक, लेट्स सी। ये देखो नज़ारा, एक अलग लेवल का नज़ारा है, देखो वाओ, नज़ारे दिखने शुरू हो चुके हैं। ये देखो भाई, ये किस प्रकार की भीड़ है भाई, लग रहा है टिकट विकेट काउंटर आ गया क्या। चलो बाइक है तो अपना सरसराते हुए किनारे से निकलते हैं। बाइक, पता नहीं लग रहा था कि नहीं लग रहा था, हमने बस कर लिया। बांदीपुर टाइगर रिजर्व, ओहो यहाँ पे फोटो लेना पड़ेगा भाई। ऐसे खींचो कि बाइक है, अरे वो लिखा हुआ है। हाँ